काली, एक ऐसा नाम जिससे हर एक हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। काली, एक ऐसा नाम जिसे पाकिस्तान में खौफ तो चाइनीज और अमेरिकी के पेट में मरोड़ उठने लगता है। हम बात कर रहे हैं उस काली का जिसका नाम ऑपरेशन व्हाइट हाउस से जुड़ा है, जो बगैर साक्ष्य के करीब 150 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसका साक्ष्य आज करीब 10 वर्षों बाद भी पाक और उसके आका चाइना और काका अमेरिका तलाश नहीं सके। अब बात करते हैं क्यों इतना खास है काली। सबसे पहले जान ले कि यह डायरेक्ट एनर्जी वेपन है जो दुश्मनों के मिसाइल, जहाज, टैंक, यहां तक कि डिफेंस सिस्टम और उपग्रह को भी तबाह कर सकता है, जिसे एक बार चला देने के बाद रोका नहीं जा सकता। अभी तक किसी भी देश के पास इसका कार्ड मौजूद नहीं है, अर्थात इसके प्रयोग के बाद विनाश तय। इसे आधुनिक भारत का ब्रह्मास्त्र भी कहा जा सकता है। वैसे है तो यह लेजर हथियारों के श्रेणी के ही, मगर उनके तरह यह टारगेट में होल नहीं करता, बल्कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की बौछार कर उसकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को पूरी तबाह और बर्बाद कर देता है, जिससे विदेशी सिस्टम धराशायी हो धरातल पर गिर रसातल में पहुंच जाते हैं। अब हम जानेंगे इसका विकास कैसे और कब हुआ। सर्वप्रथम इसकी स्थापना डॉक्टर पीएच राणा द्वारा की गई और 1985 में भारत के तत्कालीन निदेशक आर चिदंबरम, जो प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी थे, के द्वारा की गई। वहीं इस पर काम 1989 ईस्वी में शुरू हुआ, तब इस परियोजना में DRDO भी शामिल था। हालांकि इसके विकास औद्योगिक क्षेत्र में क्रांति के लिए ऊर्जा के उपयोग में किया जाना था, लेकिन बाद में इसका उपयोग रक्षा के क्षेत्र में करने के लिए उपयुक्त लगा और ऐसा माना जाता है कि 2004 के अंत में काली 5000 को कमीशन कर भी लिया गया है। अब हम जानेंगे इसका प्रयोग यानी परीक्षण यानी मिशन व्हाइट वॉश। दरअसल यह बात 7 अप्रैल 2012 की सुबह की है, जब सियाचिन के पास गैरी सेक्टर में एक विशाल हिमस्खलन हुआ था, जिसमें करीब 150 पाकिस्तानियों की कब्र खुद गई थी। उस वक्त पाकिस्तानी मीडिया द्वारा यह आरोप लगाया जाता रहा कि जिस तरह से भारत पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, उसी तरह से इस वेपन यानी काली का परीक्षण दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र यानी सियाचिन में किया गया है। तब उनके द्वारा यह भी दावा किया गया था कि कुछ असैन्य नागरिक भी, हालांकि एक धड़ा के द्वारा यह भी माना जाता रहा है कि उस दिन भारत का IL-76 विमान काली हथियार को लेकर करीब 30,000 फीट की ऊंचाई से प्रयोग कर हिमस्खलन लाया था। तब IL-76 विमान के साथ अवाक्स विमान भी था, जो उसके लिए आंख का काम कर रहा था, जिससे वह दुश्मनों पर पैनी नजर रखा था। बावजूद इसके, इस हथियार के परीक्षण के बारे में 2018 में संसद द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने वांछित संवेदनशील और राष्ट्रहित का हवाला देते हुए इसका परीक्षण का जानकारी देने से इनकार कर दिया, जो मिशन व्हाइट वॉश को एक अबूझ पहेली बनाती है। अगर आपको यह जानकारी रोचक और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, जिससे आने वाले समय में आपको इस तरह की और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए।